नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए भक्त तरह तरह की भक्ति करते हैं। कोई पूरे 9 दिनों तक निर्जला व्रत रखते हैं तो कोई नंगे पैर होते हैं, लेकिन बिहार के पटना शहर के नागेश्वर बाबा पिछले 23 सालों से बड़े ही अनोखे अंदाज में देवी की आराधना करते हैं। पटना के नवलखा मंदिर में ये नागेश्वर बाबा हर नवरात्रि अपने सीने पर कलश स्थापित करके पूजा करते हैं। पिछले 23 सालों से नागेश्वर बाबा गंगा जल से भरे 21 कलश को अपने सीने पर रख करके नवरात्रि की पूजा करते हैं। इन पूरे 9 दिनों तक वो ना तो कुछ खाते हैं और ना ही कुछ पीते हैं। पूरी नवरात्रि बिना करवट के एक ही अवस्था में सीने पर कलश रख करके लेटे रहते हैं। उनके इस श्रद्धा के चलते आसपास से कई लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए भी आते हैं। तो अपने आप में एक अद्भुत दृश्य भी है कि एक शख्स 9 दिनों तक किस तरीके से बिना खाए पिए रह सकता है, और ये श्रद्धा ही का आस्था का ही कमाल है। नमस्तस्य नमः। दरअसल में दुर्गा पूजा चल रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं सचिवालय के नौलखा दुर्गा मंदिर में। साधना क्या होती है, तपस्या क्या होती है, इसका एक जीवंत उदाहरण इस मंदिर में देखने को मिलता है, जहाँ पर कि 21 कलश अपनी छाती पर रख करके बाबा 10 दिनों तक साधना करते हैं बिना अन्न पानी पूरी तरीके से निराहार होकर। हम बाबा से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में बाबा जी को व्रत करते हैं आखिर क्या उद्देश्य है। बाबा, क्या उद्देश्य है आपके इस व्रत का? मेरा उद्देश्य है धर्म की जय हो, धर्म की नाश हो, प्राणियों की सद्भावना हो, पूरे देश में कल्याण हो। और इस बार तो माँ हाथी पर सवार आए हैं, हाथी है, नक्षत्र है, कुछ पानी के कष्ट ज़्यादा दे दिए हैं। पूरा पटना में घर घर में पानी घूम गया है और लोग बहुत परेशान हैं। पूजा के दिन मैं भी परेशान थे, किस तरह गंगा जी जाएंगे, किस तरह मटी लाएंगे, किस तरह आराधना करेंगे, क्योंकि सब माँ की दृष्टि है, सारा काम हो रहा है। बाबा कब से करते हैं ये, कब से करते हैं? पिछमा 23 साल से लगातार आ रहा हूँ, अब ये 23वां साल है। नाम श्री श्री 108 बाबा नागेश्वर दास, जय माता जी। बाबा, ये 21 कलश क्यों रखते हैं छाती पर, 21 कलश का क्या उद्देश्य है? ये माँ के चरणों से उपदेश मिला है, मैं माँ की भक्त हूँ। यहाँ माँ पर बहुत तरह से योगदान मिला था, तो माँ ने सपना में दी कि बेटा जब तक जियोगे तेरे ही नाम से मेरा नाम रहेगा। माँ के चरण में उस दिन से लेटने लगे हैं, जब तक जियेंगे तब तक माँ के चरणों में। देखिए, साधना क्या होती है कि 21 कलश छाती पर रखे हुए हैं, पूरी तरीके से निराहार हैं, और ये कह रहे हैं पिछले 23 साल से ये 21 कलश को छाती पर रखकर यहाँ हर एक नवरात्रा में इसी तरीके से रहते हैं। तो आइए आप भी हमारे माध्यम से पटना के इस नौलखा मंदिर में माँ का दर्शन कीजिए और मन मांगी मुरादें पाइए। पटना से इसके राजीव R90 में।